फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ फिर आपके सामने आई हूँ। अपना टॉपिक है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज मीन्स ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आई होप मैंने ये जो लास्ट में जो चैप्टर वगैरह पढ़ा रही थी वो भी आपने पढ़े होंगे। जीके की वीडियोज भी मैं डाल रही हूँ कंटिन्यू, तो आप उनसे भी अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी आप कंटिन्यू तैयार रखिए। और ये जो वर्ड्स है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, वो हमें राइटिंग स्किल में या बोल सकते हैं हम कंपोजिशन के अंदर ये जो शब्द है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। हमें कंफ्यूज बहुत करते हैं हम इन, ये जो बहुत ही इजी लगते हैं, देखने में बहुत इजी है, हमें लगता है कि हमें आता है, बट एग्जाम टाइम में जब हमें ये करना होता है वहां पे हमें ये चीजें समझ में नहीं आती कि हम कैसे करें, क्या करें, कौन सा आएगा। दोनों सेम लगते हैं। एग्जाम में भी होता है जैसे रीड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जहाँ पे हम एप्रोप्रिएट वर्ब जो हमें भरनी होती है, टेंस के अंदर जब भी एप्रोप्रिएट वर्ब्स जो फिलअप करनी आती है, ब्लैंक्स में फिल करनी होती है, तो अगर हमें इनका, मान लो हमें सेंटेंस का अर्थ आ रहा है, हमें सेंटेंस का पता है, हमें पता है क्या भरना है, बट हम यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सीड होगा, एक्सीड होगा, दिखने में दोनों सेम है, मीनिंग भी अपने को जैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे जो वर्ब्स फिल करनी होती है वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राइटिंग स्किल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी कंपोजिशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देन ये जो वर्ड्स है वो अपने बोल सकते हैं हम एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अपने जो छोटे जो बच्चे होते हैं 10th क्लास वाले उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारी डेली लाइफ में भी। अगर हम बात करें कि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, डेली रूटीन में भी, डेली लाइफ में भी हमें ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो आने चाहिए। अगर हमें पता होगा तो हम दूसरों को बता सकते हैं या फिर अपनी कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं। देखो हम पढ़ते हैं अपने वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, ऐसे वर्ड्स जो हमें प्राय क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एक्सीड, एक्सीड, हमें इसके प्रोनंसिएशन पे भी ध्यान देना है। देखो ये क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे प्रोनंसिएशन इसका ए हो जाता है और यहाँ पे ई हो जाता है, एक्सीड, एक्सीड। मैं यहाँ पे फोनेटिक प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ बता रही हूँ आपको, एक्सीड, एक्सीड। फोनेटिक जब पढ़ेंगे तब ये सारे के सारे सिंबल आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत इजी वे में क्लियर होंगे। एक बार मेरे पास में इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आपके लिए फोनेटिक पे वीडियो डाल सकूं, तो मैं छोटी सी वीडियो आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे लेके आई। तो देखो एक्सीड एंड एक्सीड, एक्सीड एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब जब हमारे सामने कोई रिक्वेस्ट हो, कोई डिमांड हो, जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, जिस बात को हम मान रहे हैं। मान लो कोई हमसे डिमांड करता है, किसी चीज की रिक्वेस्ट करता है और हम उस बात को मान रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं होता है, एक्सीड होता है। एक्सीड मीन्स किसी डिमांड को या रिक्वेस्ट को मानना, डिमांड भी हो सकती है। तो वो क्या बोल रहा है, सॉरी, देखो एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है, सॉरी आई कांट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, आई कांट एक्सेप्ट टू योर रिक्वेस्ट, या फिर डिमांड के लिए भी एक्सीड वर्ड है वो आता है। तो एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना। तो एग्जाम्पल, सॉरी आई कांट एक्सेप्ट टू योर रिक्वेस्ट, ये अपना इसके लिए एग्जाम्पल है। सेकेंड देखो एक्सीड, मैंने बोला एक्सीड, एक्सीड मीन्स बढ़ना या फिर बढ़ोतरी करना, किसी मात्रा में, कोई संख्या में, कोई वर्ड लिमिट होती है उसके अंदर भी बढ़ोतरी करना, एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ाना, बढ़ाना ऐसे नहीं कि उम्र को बढ़ाना या फिर कुछ और, इसमें कोई मात्रा या संख्या जिसकी लिमिट को बढ़ाने की बात हुई है। जैसे कि यू शुड नॉट, मैंने नेगेटिव सेंस में लिए सेंटेंस या एग्जाम्पल वाले दो, यू शुड नॉट एक्सीड द वेट ऑफ योर बैग, यू शुड नॉट एक्सीड द वेट ऑफ योर बैग। ऑफ नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन, ऑफ होता है यहाँ पे, अब इसका प्रोनाउंसिएशन है वो होता है यू शुड नॉट एक्सीड द वेट ऑफ योर बैग, कि अपने बैग का जो वेट है उसको, मैंने कहा मात्रा या संख्या, तो ये तो उसकी बैग की मात्रा होगी ना, उसमें जो सामान है, जो उसमें जो डाली हुई जो चीजें हैं उसकी मात्रा ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, तो यू शुड नॉट एक्सीड द वेट ऑफ योर बैग। या फिर कोई जैसे वर्ड लिमिट होती है उसके लिए भी हम बोल सकते हैं यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ वर्ड्स ऑन योर एसे।
तो आपने जो ऐसे अभी जो क्वेश्चन हम करते हैं उनकी भी जो वर्ड लिमिट है वो भी ध्यान रखनी चाहिए, उसमें भी एक्सीड है वो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है एक्सीड बढ़ना या बढ़ाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये सेम प्रोनाउंसिएशन है, यहीं पे हो रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट वर्ड तो आपको डेली यूज में आप लेते ही है कोई बात। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, के सिवाय, मतलब किसी चीज को जब हम छोड़ रहे हैं किसी के सिवाय जब हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी मान लेना कोई बात, स्वीकार कर लेना किसी बात को, किसी प्रपोजल को मान लेना, कोई प्रस्ताव कोई बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकार किसको कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट या कोई डिमांड है, यहाँ पे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। बातों को किसी की जो हमें कोई सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट मीन्स मान लेना। दे हैव एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, दे हैव एक्सेप्टेड, तो वो स्वीकार कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं क्या, दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को वो स्वीकार कर चुके हैं। दे हैव एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, तो ये होता है एक्सेप्ट। इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मैंने बोला के सिवाय, किसी को छोड़ देते हैं किसी के अलावा, बाकी सब काम करते हैं एक के अलावा। के अलावा बोल सकते हैं, के सिवाय बोल सकते हैं। तो देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। All except you, all except you मतलब इस you के सिवाय, बाकी सब, लेकिन ये you नहीं है, तो all except you were present there, कि तुम्हारे सिवा, इसके सिवा, के सिवाय बोला है, सबके सिवाय नहीं है। All except you means you के सिवाय सभी है वो वहाँ पे present थे, वहाँ पे उपस्थित। थर्ड हम बात करते हैं access की। तो देखो एक्सेस, एक्सेस मीन्स पहुंच, किसी पोजीशन पे किसी चीज को जब हम अचीव कर रहे हैं वहां तक पहुंचना, वो होता है एक्सेस। एक्सेस यानी पहुंच। तो दिस पोजीशन इज ऑलवेज इन माय एक्सेस, कि दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है, इज ऑलवेज इन माय एक्सेस, को हमेशा क्या थी, मेरी एक्सेस में थी, मेरी पहुंच में थी। दिस पोजीशन इज ऑलवेज इन माय एक्सेस, तो कोई कहीं पे जब हमारी पहुंच होती है जहाँ पे पहुँचना इजी होता है, हमें लगता है कि हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, वो हमारी पहुँच में, हमारी पकड़ में है, तो वो होता है एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस यानी अधिकता, किसी चीज की बढ़ोतरी, किसी चीज में मात्रा से अधिक होना, तो वो होता है एक्सेस। एक्सेस यानी अधिकता। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज में अगर एक्सेस होगी, मान लो हमें चाहिए कितनी ही चीज और उसमें अगर ज्यादा संख्या में वो चीज होगी, तो वो क्या होगी, इज बैड, इज ऑलवेज बैड हम बोल सकते हैं। तो मात्रा से जो अधिक चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, गलत होती है, बुरी होती है, खराब होती है। हमें जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उतनी ही चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फोर्थ हम बात करते हैं एडवाइस। एडवाइस देखो, एडवाइस, एडवाइस हम दोनों देखते हैं और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे एडवाइस लगाएं, कहाँ पे एडवाइस लगाएं। तो देखो जब ये एडवाइस होता है, ए डी वी आई सी ई, जब सी ई एडवाइस होता है तो ये नाउन के रूप में होती है। नाउन यानी संज्ञा, पार्ट ऑफ स्पीच में हम जब पढ़ते हैं नाउन को, जो एडवाइस होती है वो होती है नाउन यानी सलाह है। कोई सलाह, सलाह देना नहीं है, सिर्फ सलाह है, मतलब कोई एडवाइस है, सलाह है। जो सलाह अगर हमें अच्छी लगे तो हम एक्सेप्ट करें, अगर खराब लगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। तो एडवाइस जब नाउन होती है, सीई होता है, तब वो नाउन होती है और नाउन के रूप में वो सलाह होती है। माय फादर गेव मी गुड एडवाइस, कि माय फादर गेव मी, मेरे फादर ने दी, क्या थी, मी मुझे एक गुड एडवाइस, कि मुझे एक अच्छी एडवाइस है वो मेरे फादर ने मुझे दी। देन एडवाइस यहाँ पे देखो, एक गुड एडवाइस ये नाउन के रूप में है, ये वर्ब के रूप में ही है। तो ये जो एडवाइस है, देखो एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, वर्ब के रूप में ये काम आती है, इसका मतलब होता है सलाह देना। देखो सलाह देना, प्रोनाउंसिएशन यहाँ एडवाइस है, यहाँ पे एडवाइस है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही एडवाइज मी, ही एडवाइज मी, ये देखो एडवाइस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ही Advised me to continue my study. He advised me to continue my study. की मेरी स्टडी को कंटिन्यू करने की एडवाइस है वो मुझे दी। एडवाइस जय प्रोनाउंसिएशन होता है, वर्ब के रूप में होता है, मतलब होता है इसका सलाह है देना। He advised me to continue my study. मेरी स्टडी को कंटिन्यू करने की एडवाइस मुझे उसने दी।
वो आपकी सेकेंड लास्ट हम करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑर्डर, इसका मतलब होता है पूजा की वेदी। दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है ऑर्डर, पूजा की वेदी। ये ऑर्डर होता है चेंज करना, बदलना। एग्जाम्पल देखते हैं, भगत सिंह सेक्रीफाइस हिज लाइफ एट द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। की फ्रीडम की ऑर्डर यानी स्वतंत्रता की वेदी पे भगत सिंह ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी लाइफ का बलिदान है वो कर दिया। ये होता है चेंज। इस ऑर्डर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। जैसे ही वांट्स टू ऑल्टर माई डिसीजन, ही वांट्स, वो चाहता था टू ऑल्टर माई डिसीजन, मेरे डिसीजन को चेंज करना वो चाहता था। तो ही ऑर्डर, ही वांट्स टू ऑल्टर माई डिसीजन, ये ऑर्डर होता है बदलना, ये ऑर्डर होता है पूजा की वेदी। आई होप आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ एडियम फ्रेज, कुछ फ्रेजल वर्ब के ऊपर वीडियोस लेकर के, ऐसे ही कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस लेके आएंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।